सभी लोग स्वस्थ है और आप अपने साथ अपने परिवार, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छे से अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम दुनिया की एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके 20 लाख से भी ज्यादा, आज की तारीख में 20 लाख से भी ज्यादा किसान शेयर होल्डर्स है, सदस्य नहीं है। यानी हमने फॉर्म भर के लिया है, वो सदस्य बन गया, ऐसा नहीं है। वो हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ हमारे भागीदार है और एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, और ये सब करके दिखाया आपने। दोस्तों हम सब ने मिलके ऐसा काम किया है कि आज की तारीख में लगभग 180 ऐसे तहसील, ऐसे तालुका है कि जिस तालुका में हमारे संगठन में 10,000 से भी ज्यादा किसान है, 10,000 से भी ज्यादा वहां के खेडूत, वहां के किसान उसके भागीदार है, उसके शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है। आप एक नजर डालोगे कि कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनके 10,000 से ज्यादा सदस्य या भागीदार होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम इनक्रेडिबल, जबरदस्त ऐसी कामगिरी, ऐसी अचीवमेंट आप लोगों ने की है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन और आप इस सभी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज की तारीख में किसी भी क्षेत्र में कोई भी कंपनी अगर नंबर वन है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको पता है कि हमने आज की तारीख में एक छोटा सा मशीन निकला जिसको हम लोग कहते हैं अलेक्सा सीरी। एक छोटा सा, आप देख सकते हैं कि छोटा, आपको लगेगा कि छोटा, उसका एक स्पीकर है, स्पीकर जैसे एक मशीन होता है घर में लगा हुआ होता है, और आप उसको बोलेंगे कि पूरी लाइट जला दो तो लाइट जला देगा, पूरी लाइट बंद कर दो तो लाइट बंद कर देगा। आपके ईमेल आ गए हैं कंप्यूटर पे या फोन पे कोई मैसेज है, वो मशीन आपको बोल के दिखाएगा। इसके आगे जाके अभी अमेज़न ने क्या किया, एक कंप्यूटर, एक रोबोट आपके घर के लिए तैयार करके रखा है, जो रोबोट आपके लिए सभी काम करता है, आपकी सिक्योरिटी से लेके आपकी सभी जो चीज जो देखते हैं, और खुद अपने आप जाके रिचार्ज भी होता है वो रोबोट। अभी थोड़ा सा महंगा हो सकता है लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सस्ता भी होगा। दोस्तों अमेज़न एक ऐसी कंपनी है कि जिसने OTT, OTT आप समझते हैं, जिसे नेटफ्लिक्स होता है, जहां हम लोग आजकल मूवीज देखते हैं, वो फास्ट होते हैं, ये सभी चीजों में अमेज़न ने भी कदम रखा। प्राइम वीडियो का उसका चैनल है, नंबर वन चैनल है इंडिया का, पूरी दुनिया में हो सकता है नेटफ्लिक्स है लेकिन इंडिया में वो नंबर वन है और पूरी दुनिया में नंबर टू पे। दोस्तों ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे जहां जी है, जहां सोनी है, जहां डिज्नी है, ऐसी ऐसी कंपनी है जो सालों से इसी में काम कर रही है, चाहे इसी मूवीज में बाकी सब में काम करे, लेकिन फिर भी अमेज़न पीछे से आके नंबर वन कंपनी बन चुका है। ई कॉमर्स की जब हम लोग बात करते हैं, क्या अमेज़न ई कॉमर्स में नंबर वन था, सॉरी पहली कंपनी है जिन्होंने ई कॉमर्स चालू किया? नहीं, अमेज़न के पहले अपने देश में 2000 से लेकर 2002-3 में कितनी कंपनी आई थी जिन्होंने ऑनलाइन की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया में ऑनलाइन ई कॉमर्स वाली कितनी कंपनी उन्होंने काम की शुरुआत की थी और उसमें कंपनियां भी शुरुआत की, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की नंबर वन कंपनी है अमेज़न। नंबर वन ई कॉमर्स सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई तैयार करता है तो अमेज़न है, और ये करते करते दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है उसके संस्थापक फाउंडर जेफ बेजोस। तो कैसे होती है कोई कंपनी नंबर वन कंपनी? क्या आपको बताया कि जेफ बेजोस साहब ने ऐसी शुरुआत की थी, एक जगह में ऐसी शुरुआत की थी? क्या आपको पता है कि पहले 8 साल तक अमेज़न को 1 रुपए भी उसको प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि जेफ बेजोस पूरा समय पूरा वो काम इसमें करते थे कि कैसे मैं ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सर्विस दूं। उनकी टैगलाइन भी है, दुनिया की सबसे कस्टमर फ्रेंडली कंपनी हम बनाना चाहते हैं, और वो हमारे को है अमेज़न। जब हमने शुरुआत की तो ऑनलाइन सिर्फ किताबें बेचते थे, कोई किताब अगर किसी को खरीदने तो मैं कैसे उसकी हेल्प करूं, क्या क्या उसको दे सकता हूं, तो मैं उसको रिव्यू दे सकता हूं। तो पहली कंपनी थी कि जिसने किताब के बारे में रिव्यू दिए कि इतने लोगों ने किताब पढ़ी, इनको अच्छा लगा, उनको बुरा लगा, जो
कंपनी, सबसे अच्छी एग्जीक्यूशन की कंपनी मुझे बनाना है इस अमेज़न। और किसको पता था कि ऑनलाइन से किताबें बेचने वाली कंपनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। धीरूभाई अंबानी साहब ने हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है रिलायंस। क्या धीरूभाई अंबानी ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे? क्या वो बहुत बड़े इंजीनियर थे? क्या बहुत ऐसे टेक्नोक्रेट थे कि जिनको ये पता था कि कैसे उस पेट्रोकेमिकल से अलग अलग प्रोडक्ट निकलेंगे, कैसे वो रेयन निकलेगा? नहीं, वो एक उद्योजक थे, वो जबरदस्त नंबर वन एग्जीक्यूटर थे। एग्जीक्यूशन में कोई भी चीज हो, कोई भी अगर इमारत भी की भी सिविल कंस्ट्रक्शन में हो, तो वो वहां जाके खड़े रहते थे और वो काम करा के लेते थे। इसी से बनी रिलायंस। गूगल, गूगल सर्च इंजन में 17वीं कंपनी है जो गूगल के माध्यम से आज हम लोग देखते हैं। उसके पहले 16 ऐसी कंपनी थी कि जिनके पास सेम टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास सेम बिजनेस मॉडल था और जिनके पास शायद गूगल से भी ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे थे। गूगल ने एग्जीक्यूट अच्छे किया। आज गूगल के अलावा गूगल को छोड़ दूसरी कंपनी को आप सोच भी नहीं सकते, आपको मालूम भी नहीं होगा शायद कि दूसरी कंपनी कौन है सर्च इंजन। लोग ऐसा भी नहीं बोलते कि आप सर्च करो, लोग बोलते आप गूगल करके दे। और ऐसा भी नहीं कि आपको उस इंग्लिश में आजकल टाइप करना पड़ता है, आज आप अपनी भाषा में अगर हिंदी में भी बोलोगे गूगल में कि आपको दाल चावल सीखना है, तो वो गूगल इनको आपको एक वीडियो, यूट्यूब का वीडियो लाके देगा, दिखाएगा और बताएगा देखो दाल चावल ऐसे बनाया जाता है। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। और बाहर की छोड़िए, अपने देश की बात करें, अपने देश में 2015 के 15-16 के बाद जैसे हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद ये सब इमिशंस, ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन कम करने के लिए हमने भी एक रोड मैप बनाया, हमने भी जो रोड मैप बनाया वो है इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और उसमें नंबर वन जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है वो है सोलर। सभी राज्यों में ऑलमोस्ट सोलर के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। आपके घरों से रूफटॉप के सोलर से लेके बड़े बड़े सोलर के प्लांट लग रहे हैं। क्या आपको पता है ये सोलर प्लांट में ये जो सोलर फील्ड, हम ये सोलर पैनल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां से आते हैं? 90% ये सोलर पैनल आज भी चाइना से आते हैं। एक्चुअली ये जो ड्यूटी बढ़ाई है, जब ड्यूटी कम थी तो वो 95% था और ड्यूटी बढ़ाने के बाद ही आज वो 90% है। आपको क्या लगता है कोई भी कंपनी भारत की उसने ऐसा सोचा नहीं होगा कि अरे बाबा इतनी सोलर पैनल की डिमांड है अपने देश में, है इतना डिमांड है, मार्केट है, सब कुछ अवेलेबल, गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो क्यों ना हम लोग ये सोलर पैनल तैयार करें और बेचे लोगों को इधर ही अपने देश में। क्यों नहीं कर पाए वो? क्योंकि अगर आप कंपनी के ओनर हो, आपको सोलर का वो प्रोजेक्ट लगाना है और आपको 100 रुपए में यहाँ सोलर पैनल मिलता है और वही सोलर पैनल 70 रुपए में चाइना आपको दे रहा है, चाइना से आप मंगा सकते हो सेम क्वालिटी, तो क्या करेंगे आप? बिजनेस में जो मोटिव होता है, जो एम है, तो वो क्या होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ऑब्वियस है जब आपको ये काम आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये डिसीजन लोगे। इसी साल का 21-22 का ये जो आर्थिक वर्ष की शुरुआत हुई है, उसमें पहले 3 महीने अगर आप देखोगे कि कितने स्मार्टफोन बेचे गए, तो आज की तारीख में भी इस 3 महीनों में 64% जो स्मार्टफोन बेचे गए ना वो चाइना ने बेचे। स्मार्टफोन है, आजकल सभी स्मार्टफोन है, कुछ थोड़े से एक्सेप्शन हो गए जो वो कीबोर्ड के रहेंगे, बाकी सबको सभी स्मार्टफोन ही है। तो इस सभी में चाइना के कंपनियों का जो आज हिस्सा है वो 73-74% तक है। इस फर्स्ट क्वार्टर में भी वो 64 रहा। ये जो कंपनी आप देख रहे हो ना, रियलमी, ओप्पो, विवो, ये बाकी ये सभी कंपनी चाइना की है, सिर्फ सैमसंग छोड़ा और बाकी के जो 16% है वो 16% पे आते हैं, फिर एप्पल और बाकी, ये सब कुछ छोड़ बाकी सभी कंपनियां चाइना की कंपनियां अपना माल यहाँ इंडिया में बेच रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो मोबाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी, ये भारत में अवेलेबल नहीं? आपको क्या लगता है कि एक भी कंपनी नहीं है भारत में, इंडिया में, कि जो जिसके पास इतने पैसे होगी वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले? तो क्यों नहीं कर रहे ये कंपनियां बिजनेस यहां? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है। और ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो कंपनियां बताई, उनके प्रोडक्ट्स बताए, उनके सर्विसेज बताए, ये सर्विसेज, ये प्रोडक्ट्स, ये कंपनियां अगर आगे के 6 महीने ऐसा समझे कि इनके
उनको उससे ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन उनको जिंदगी बंद नहीं होगी। ओके, लेकिन पिछले 10 दिनों में एक न्यूज है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कि वहां पेट्रोल पंप पे ईंधन ही अवेलेबल नहीं, फ्यूल अवेलेबल नहीं, और सिर्फ 8-10 दिनों में उस पूरे देश में इतना हाहाकार मच गया है, लोग इतने परेशान हो गए हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो इतना तक कहा कि हम लोग अगर जरूरत पड़े तो आर्मी को बुलाएंगे और इस फ्यूल का अवेलेबल करके देंगे। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके बिना जिंदगी आज मुमकिन ही नहीं। और दोस्तों, आज हम पूरी जो फैमिली है एमसीएल की फैमिली, आज हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आज हम ईंधन में काम कर रहे हैं, आज हम अनाज में काम कर रहे हैं, 10,000 साल पहले भी ये प्रोडक्ट्स थे। 10,000 साल पहले हो सकता है कि उस ईंधन में जो मनुष्य था वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा हो, शायद उसको कहीं कोयला मिला हो, लेकिन ईंधन था। तो 10,000 साल पहले अनाज था, और आगे के 10,000 साल के बाद भी ये दोनों चीजें होने वाली, ईंधन भी होने वाला, अनाज भी होने वाला, इसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आज एमसीएल परिवार में हम लोग कर रहे हैं वो कंपलसरी है, कंपलसरी। आने वाले दिनों में इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, आने वाले दिनों में पूरे दुनिया को कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको किए बिना। अगर हम इस ईंधन को तैयार करें जो ईंधन इस धरती की, इस धरती का, इस अपने धरती माँ का ख्याल रख रहा है, पूरे पर्यावरण का ख्याल रख रहा है, तो इसके अलावा चारा ही नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, जहाँ नॉर्मल दिनों में भी इतनी बरसात नहीं होती, नॉर्मल वहां इतनी बाढ़ आ चुकी है कि पिछले 3-4 दिनों में सिर्फ 22 लाख हेक्टर अपनी खेती है ना, उसके नुकसान हुआ है। 22 लाख हेक्टर, 22 लाख हेक्टर में से हम लोग 550 लाख किलो इतना 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 गैस, इतना अपना फ्यूल ईंधन बना सकते हैं साल का। तो सोचिए कितने वहां किसानों के क्या हालत हो चुकी। और ये यही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, तो पूरे भारत में आज ऐसी वर्षाएं चालू है जैसे मानो जून जुलाई में हो रही है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, ये रशिया, चाइना, यूरोप से लेके अमेरिका, ये अमेरिका ने कभी भी इतना गहरा तूफान नहीं देखा होगा, अमेरिका ने कभी भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी जो बाढ़ आज अमेरिका में चालू है, जो आग आज अमेरिका में चालू है। दोस्तों, ये सब इतनी बुरी तरह से तबाह हो रहा है कि हमें अभी दूसरा चारा ही नहीं है पूरी दुनिया को। और कोरोना की बात कर रहे हैं हम लोग, कोरोना में जहां 2-3% लोग मरते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किलर पूरी दुनिया में ये कैंसर है, जो इस कैंसर की फूड की वजह से पूरी दुनिया में फैल चुका है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके बिना कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। ये सिर्फ ये जो फर्स्ट फेज के प्रोजेक्ट है ना, इसको चालू करने की, इसको अनवील करने की देर, हम दुनिया को बताया जाएंगे कि सोल्यूशन क्या है। पूरी दुनिया में आज तक बायोफ्यूल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे स्केल पे हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया कि जो 100% ऑयल एंड गैस को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कौन से लगे कि जो आज का ऑयल एंड गैस है उसमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग करें, 2% डाले, 5% डाले, 10% तक जाए, ऐसे एम्बिशियस गोल उनको लगता है कि अगर 10% तक हम लोगों ने किया तो। एमसीएल क्या बोल रहे हैं, एमसीएल बोल रहे पूरी तरह से 100% ऑयल एंड गैस को रिप्लेस कैसे करें और कैसे 100% अपने फ्यूल के साथ आए, ऐसे प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जो चीज, जो प्रोजेक्ट, जो बिजनेस मॉडल, जो स्केल हम लोग कर रहे हैं वो दुनिया में ना कोई सोच रहा है ना कोई कर रहा है। ये पूरे ये फर्स्ट फेज के प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद पूरी दुनिया की नजर, पूरे इन्वेस्टर्स इसमें आने वाले हैं, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं ये दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं। ये दो प्रोडक्ट इंडिस्पेंसिबल है, ये कंपलसरी है, ये करने ही पड़ेंगे। ये अगर आपके पास कितना भी बड़ा ये फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल मिलता है तो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आज की तारीख में। ये हो रहा है आजकल बाहर, कंपलसरी हमारा फ्यूल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जब हम लोग कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये सभी कंपनियां, जो कंपनी, और ऐसा नहीं आप सोच सकते कि सिर्फ
ऑयलेट गैस वन कंपनी इसमें आएगी, बाकी की कंपनी आएगी। आपको कब लगा था कि अमेजोन आएगी ओटीटी में, अमेजोन आएगी बाकी की, जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा स्कोप है, वहां बहुत सारी कंपनी आ सकती है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। और MCL वो कंपनी नहीं है कि MCL को सिर्फ 100 प्रोजेक्ट्स करने हैं और फिर कोई ऐसी बड़ी कंपनी होगी उसके साथ मर्ज करना उसके साथ काम करना, ये सिर्फ दिखावा है। लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे हम लोग एक जगह पे अपने कंपनी को लेके जाए और कैसे अपनी कंपनी बेचे, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं जो प्रोमोटर होते हैं, क्योंकि उनसे उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। और आज जिस तरह से आप लोगों ने सबने मिलकर काम किया है, तो अगर हमें हम फ्लिपकार्ट होते, हम लोग फ्लिपकार्ट से सोचते, तो ये फर्स्ट फेज के साथ 100 पेज के इस प्रोजेक्ट के बाद हम आराम से किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं और हम सभी लोग अच्छा पैसा कमाएं। आप सभी लोग, जो सभी प्रमोटर, ओनर, MVP वगैरह, सभी लोग, सभी टीम, उनको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन क्या होगा हमारे भविष्य का, क्या होगा वो 20 लाख 25 लाख जो किसान आज हमारे साथ खड़े, उनका फिर से कोई बड़ी कोई बाहर की फॉरन की कंपनी आएगी और उनके अंडर हम लोग सब काम करेंगे, ऐसा MCL का बिल्कुल सोचना नहीं। MCL को बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ ये करके दिखाना है। दोस्तों आप समझिए कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट लगाना, सिर्फ एक फैक्ट्री लगाना, ये MCL की सोच ही नहीं है। MCL यहां हमारे किसानों का, हमारे लोगों का राज्य तैयार करना चाहते हैं। हर तहसील में हमें ऐसा बिजनेस करना है कि जहां बिजनेस में, जिस तहसील में कोई भी बाहर की कंपनी, यहां वहां की कंपनी आके बिजनेस ना कर पाए, ऐसा एग्जीक्यूशन में काम करना है। क्योंकि आज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आज आप सोचते हो कि भारत में ही सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड, आज भारत में सबसे ज्यादा अच्छा जो नेचर, जो प्रकृति ने दिया, ऐसी प्रकृति भारत में है, तो सबसे ज्यादा फ्यूल का निर्माण भारत में होगा, इसीलिए भारत दुनिया में नंबर 1 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल दी, इतना सारा मार्केट होने के बाद भी कहां हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। वैसे भी कल हमारे गांव में, हमारे खेतों में कोई दूसरी बड़ी कंपनी आएगी और यह धंधा कर सकती है, ऐसे अभी पूरी दुनिया हो चुकी है। तो हमें, हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद सिर्फ ये प्रोजेक्ट आपके खड़े करना नहीं है, मकसद यह है कि बिजनेसेस ऐसे निर्माण करना जो बिजनेसेस आगे के 100 साल चले। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने, ये पहले ऐसे राजा थे भारत के कि जिन्होंने देखा और ये समझा कि बाहर के जो भी हमारे यहाँ पर की आक्रमण होगा वो समुद्र के किनारे होगा, समुद्र से होगा, और इस समुद्र को बचाने के लिए, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें सेना का निर्माण करना पड़ेगा, हमें किलो का निर्माण। यालो इंग निकला घर बस स्टैंड ला, ओके पहले प्रोजेक्ट लगा रही है, लेकिन हमें उस पूरे सभी जो मुमकिन चीजें हैं उस सभी का ख्याल रखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने सेक्टर में नंबर 1 का काम करें, हमेशा के लिए काम करें, कैसे हम इस एग्जीक्यूशन में बेहतर बने। और इसीलिए हमारा उद्देश्य एग्जीक्यूशन में बेस्ट। अगर हम लोग, हमने सुजलाम सुफलाम गांव के बारे में सोचना है, सुजलाम सुफलाम हमारे लिव लिव तो हां। हेलो हाँ हाँ कुठं आहात तुम्ही, आता गाडी घेऊन गेल्या, सभी चीजें लोगों ने भी सीखी है करने से, हम भी सीखेंगे अगर हमें
कर ले। और ये सभी चीज जब हमें करनी है, अगर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें बहुत जगह पे लगाने हैं, बार बार लगाने हैं, जितने ज्यादा पॉसिबल उतने लगाने, तो ये सभी चीजों में आपको करने से एग्जीक्यूशन में बेस्ट होना पड़ेगा। और कैसे करेंगे ये, तो दोस्तों एक सिंपल सिंपल लॉजिकल चीज है, जैसा मैंने कहा कि ये जो जो बिजनेसमैन है ये एकदम एक इंटरप्रेटर है, स्पेशलिस्ट नहीं होते, ये सभी चीजें अपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको फैक्ट्री रखनी है, आपको इस इधर के निर्माण करने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट करना है, तो सबसे नंबर वन क्या चीज आती है, जमीन। और जमीन आपके पास चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं ना, काय करता है अपना, ये सभी जो बिजनेसमैन बने हैं उनके पास कुछ ज्यादा, उनके पास कुछ पैसे थे ना, कुछ रिसोर्सेज था, कुछ नहीं था, जरूरी नहीं आपके पास हो, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको जमीन चाहिए तो क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या मैं लीज पे ले सकता हूँ, क्या ये सभी जो लोग हैं इनके साथ हम लोग कुछ ऐसा पार्टनर कर सकते हैं, जिनकी जमीन है उनके साथ मैं पार्टनरशिप में कर सकता हूँ। हाँ, पन्ना सर। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, कई सारे लोग आपके गाँव में आपके तहसील में है जो इस अच्छे चीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार, करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन उनको पता ही नहीं। क्यों कहता हूँ मैं, आप सैटरडे सेशन लीजिए, क्यों कहता हूँ मैं तो कहता हूँ मैं कि हफ्ते में एक दिन आप इस गांव के लिए, तहसील के लिए वो एक सेशन, एक मीटिंग, एक प्रेजेंटेशन लीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास जमीन होगी और वो खुशी से इस वो तो बोलेंगे कि अच्छे काम के लिए अगर मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, ऐसे करके आपके पास आ सकते। तो ये करने से जब आप काम करोगे, लोगों को मिलोगे, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। एंड ऑब्वियसली जब जमीन ली है तो जमीन को एनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जमीन को एनए करना पड़ेगा, एनए यानी क्या, नॉन एग्रीकल्चर। आप क्या सोचेंगे कि कौन है हमारे यहाँ हमारे तहसील में कौन सब एनए करा के देता है, कौन एजेंट है, कौन वो लाइसनिंग है, कौन वो तहसील ऑफिस में जाके बैठता है या उनको कलेक्टर ऑफिस में जिसके लिंक है जो उनको मिलते हैं। आप जाओ ना, आप जाओ, आप समझो क्या होता है ये नहीं, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। जब कोई नॉन एग्रीकल्चर के लिए परमिशन देता है कलेक्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफ कलेक्टर, तीन चीजों के लिए होता है, तीन नहीं चार चीजों के लिए। एक तो होता है रेसिडेंशियल रहने के लिए, दूसरा होता है कमर्शियल दुकानें वगैरह उसके लिए, व्यापारी के लिए, और तीसरा इंडस्ट्रियल जहाँ हम लोग अभी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं वैसा, और चौथा पब्लिक प्लेसेस। अगर पब्लिक के कुछ इनके कुछ रोड बनाने हैं, कुछ पुल बनाने हैं, कुछ करना है, तो वो समझे ना, आपको उसके तत्व होने की जरूरत नहीं, देखिए जाइए समझिए, देखिए क्या प्रोसीजर होता है। और मैं तो कहता हूँ कि ये तहसीलदार ही बाकी की सभी जो यंत्रणा है जो इसके लिए काम करती है, उनको तो ऐसे ही पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। 10,000 लोगों का संगठन चला रहे हैं आप तहसील में, ये सबसे बड़ी बात है। कोई नहीं रहेगा तहसील में 10,000 लोग जिसके साथ में, ऐसा कोई संगठन नहीं होगा दोस्तों, समझिए। 20 लाख से ऊपर जा लेते हैं हम, जब आप जाओगे और ये सब परो 15 होते हैं, कभी बात करेंगे ना, अपने तलाटी होते हैं, पटवारी होते हैं, सब दिन चला गया है, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके साथ जो जमीन है वो जमीन की प्लानिंग की हुई, यहाँ जंगल रहेगा, यहाँ स्कूल रहेगा, यहाँ फिरंदर रहेगा, प्ले ग्राउंड रहेगा, और कौन सी जमीन है जो इको सेंसिटिव है वहाँ एनी नहीं कर सकते हैं। और हमने तो आपको कहा है कि कोई भी जमीन एनी हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जाओ, पन्नास गाव मध्ये 47 गाव आहेत कोडगिर अनुवरने, त्यामध्ये 50-30 गाव मध्ये स्टँडर्ड आहेत, पोल्यूशन
ऑरेंज कैटेगरी में है। अगर आपका पोल्यूशन इंडेक्स ग्रीन में, अगर ग्रीन में यानी 20 से 40 के बीच में, तो आप ग्रीन कैटेगरी में, और आपका पोल्यूशन प्रदूषण अगर आप इसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं।
अच्छे ऑफिसर्स हैं जो जिनको लगता है कि लेकिन उनको सिर्फ अपना मुद्दे समझना चाहिए। कोई भी फॉरेन की कंपनी आगे कैसे करेगी, फॉरेन की कंपनी में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत। कोई भी कंपनी कोई दूसरी कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन आप पूरा आप अपने दस में जो काम कर रहे हो कितना जबरदस्त कितना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तो हमेशा लगता है पैसे दे आप मारा जमना लोकल माणूस आधार कार्ड जैसे शेत बनाओ करून टाकलो मिल्कीच कन्नाचं आधार कार्ड काढलं का पैसे टाका शेत जमना गेलं गावाकडला आहे ते जमत ना आता बोलता
करने वाली वो बैंक होती है, तो आप खोल सकते हैं कि आपके जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कोई भी बैंक हो सकती है, और उसका एक ऑफिसर होगा। तो यमी केला भी कह रहे क्यों ना काम ना ले, वो होती लीड बैंक मैनेजर, और बहुत ही की पर्सन है ये पूरे बैंकों के साथ। मुझे ना तो पर है ना कैसे बच्चे को स्पेशल के लोकल के मामले में है ना कैसे लाइक एड्रेस टैग लेते तवा नौ तो भी काम आ सकते हैं आई कल की तवा नौ तो भी ट्रेनिंग नौ तो ट्रेनिंग नौ तो काज नौ तो डायरेक्ट पता नहीं लेकिन पूरी दुनिया में राजा तो सिंह ने का एड्रेस किया है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो अपने भारत में देते आते नहीं है हमारे हर तहसील में प्रॉपर नौ में रहता है जिसका नाम है तालुका आप लोग आपण प्रचार करून टाकला पहिला ते दुजण अच्छा बोलत होते हा प्रत्येक ठिकाणी लायसन तिचं नाव आहे तर दोघांचं नाव कसं केलं कोणाचं नाव काय काय दोघांचं नाव तसं जमते मला लोकी हा आपण एम बी एस अकाउंट जे आहे कंपनीला डायरेक्ट देऊन टाकता येते बड़े बड़े बने हुए
कट्टर कौन आया था दूसरे काम में नहीं होगी तो आज आप बड़े हैं इसके बारे में दुनिया में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सामने कर सकते थे कट्टर में जो है वो का कदरों में लगता है ये कुछ मार सकते हैं तलाश कर सकते हैं हमारे सामने भया ना खाए ये कभी भी शहर के अंदर नहीं रहेगी शहर के बाहर है ये तो गे लेते हैं ये जहाँ सस्ती जमीन पर जो तो ये झगड़ा कुटा है बगरा पर इनका अगर हम स्ट्रक्चर नहीं देते ये ना हो सकता है जहाँ नहीं गे लेते अगर दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है फ्रांस की कंपनी है ये होगा ये झगड़ा का पत्ती हो तो लेकिन उससे ज्यादा वो किसके ऊपर गिरे हां तो आड़ के कर गए चलो तो आपके बच्चे आपको मेहनत के काम खेल सकते हो ऐसा होता है सभासद कंप्लीट करून लवकर येणे वगैरे करून येणे बिने तिकडं काय अडचण जाईल ना सगळं झालं आणि कंपनीनं आपल्या कामाला म्हणजे केल्यासारखं जर लवकर लवकर सपोर्ट केलं प्रोजेक्ट जर वर्षात बसलं तर आपण लय प्लसमध्ये राहते म्हणजे लोक म्हणजे हे करतात आता रिस्पेक्ट तिथं वातावरणच वेगळं तयार होते आपलं तिथं वातावरण पॉलिटिक पॉवर तयार होते ऑफिशियल लेवलला आपलं ओळख होऊन जाते सगळे हां
कंपनी 50 लाख 20 लाख 30 लाख चंद्रकांत दादा पाटील हा दिलेलाच दुनियाचा फोटो टाकला आहे त्याने. फक्त न्यूज चॅनल कुठे बोलला होता की येऊन मागे थांबले वाटा रे एवढी आता आमचे कार्यकर्ते दिसताना म्हणून लागलं लावला रे सर्व मी कुठं लावलं बघा 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 अरे कुठं टी9चं बघा काय आहे ते बघा गंधाचाच आहे गंधाचाच आहे बघा की तुम्ही थांबून बघा की नंतर अजून काढल्या म्हणते नाही 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 हो झालं एक घर प्लॉट घेऊन घर बांधल्या तिथं कार लोन बिन काहीतरी करून काहीतरी करून मोठं घर हे तरी होण होय नाहीतर बिल नाही बेंगलुरू आज झालं झालं सगळं आणि काय म्हणलं मला कोणीच नव्हती घरी आम्ही सांगे पूजा दोन का म्हणला दोन म्हणलो माझ्या घरी ऐका की आता ना पहिलं हा 2.5-3 वर्ष झाले जेवणे पण पहिलं मी नंतर तू म्हणलो माझ्या घरात येऊन तू तुझ्यावर काय म्हणतो काय देणं नाही तुझं काय हरकत नाही काय करायचं कर अर्धा तास तुला टाइम देतो पण मला पहिला अर्धा तास टाइम द्यावं लागतं म्हणतो बघ विचार म्हणलो घर का पॉइंट रात्रीच काढलो लावलं नाही कानाला ब्लूटूथ ऐकलेलाच करतो आपल्याला नंतर ऐकायचं आहे ते म्हणजे रेकॉर्ड करायला यूट्यूब चॅनल टाकते आपलं बोललेलं कोणतं नाही नाही ते
आउटडोर है ना ये। शेर हमारा सिर्फ राष्ट्रीय प्राणी नहीं, हम सभी, हमारे सभी के बीच में एक शेर, और हम सभी लोग अगर मिले तो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं इस सस्टेनेबिलिटी के अलावा, पूरी दुनिया को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं कि कैसे हमारी मां की सेवा की जा सकती है, और वो करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप चिंता मत करिए, आपके प्रोजेक्ट लगाना ये हमारी जिम्मेदारी।